हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं गार्लिक चीज पटेटो। बनाने में बहुत ही आसान है और सभी का बहुत फेवरेट है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट से गार्लिक चीज पटेटो बनाना स्टार्ट करते हैं। गार्लिक चीज पटेटो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4-5 लहसुन की कलियां छील करके कूट करके रखी हैं और इसमें डाल दिया है लगभग आधा कप पानी। और देखिए, अब हम इसको साइड में रख देंगे। गार्लिक चीज पटेटो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। एक साइड में हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। लगभग 1 लीटर के आसपास हमें पानी को बॉईल कर लेना है। अब हम आलू को कट कर लेंगे। आप जैसी शेप में चाहें वैसे कट कर सकते हैं। हम बिल्कुल सिंपल आलू को कट कर रहे हैं। देखिए, 2 पीस कर लिए, फिर इसका 1 पीस कर लिया और अब इसमें से वापस हम इस तरह से पीस कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम आलू को कट कर लेंगे। अगर आप लंबे लंबे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो आप लंबे लंबे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, या गोल कट करना चाहते हैं तो गोल भी कट कर सकते हैं। सभी आलू के पीसेस हमने कर लिए हैं। अब आलू को हम एक बाउल में डाल देंगे और ऊपर से हम बॉईल किया हुआ पानी डाल देंगे। सभी आलू के पीसेस को हमने एक बाउल में रख दिया है और अब हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पानी। हमने यहाँ पे आलू बॉईल नहीं किए हैं, सिर्फ बॉईल्ड वाटर ही डाला है। अब हम डाल देंगे छोटा 1 चम्मच नमक। आलू को ढक कर के रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, लिड को हटा देंगे और आलू को पानी में से बाहर निकाल लेंगे। आलू हमने साइड में रख दिए हैं और वापस से एक बाउल लिया है। बाउल में हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, छोटा 1 चम्मच ऑरेगानो, छोटा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, छोटा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे गार्लिक चीज पटेटो बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने जो लहसुन भिगो के रखा था इस पानी को हम इसमें छान देंगे। लहसुन को नहीं डालना है, सिर्फ हमें पानी ही छानना है। देखिए, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू को बाउल में डाल देंगे और एक लिड लगा करके इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सभी पे कोटिंग हो चुकी है। अब हमने ली है यहाँ पे 1 चीज क्यूब। चीज क्यूब को हम खोल लेंगे और इसको कद्दूकस से इसमें कस देंगे। बहुत ही आसान स्नैक्स है और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी है ये। आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, चीज क्यूब को हमने इसमें कद्दूकस कर दिया है। चीज को कद्दूकस करने के बाद में हम वापस से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऊपर से डाल देंगे। आपको इसी स्टेज पर अगर मसाले और ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। वापस से लिड लगाएंगे और इसको वापस से एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, कितने बढ़िया से हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अभी 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से आलू को रखे रहने देंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाना कई बार बताया हुआ है और ये मेरे पास पहले से तैयार ब्रेड क्रम्स हैं। बाजार में भी मिलते हैं। अगर आप होममेड चाहते हैं तो घर में बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अब हम आलू के पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से एक एक आलू के पीस को लेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे और प्लेट में लगाते जाएंगे। सभी आलू पर हमने बहुत अच्छे से कोटिंग कर दी है। सेम स्टेप को हम वापस से फॉलो करेंगे। वापस से हमने आलू का पीस लिया है, इसमें डिप किया है और अब देखिए, वापस से हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे और साइड में इसको उठा उठा करके रख देंगे। आप चाहें तो इसी प्लेट में रख सकते हैं या कोई और अलग से प्लेट ले सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए, हमने सभी आलू के पीसेस बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम होने रख दिया है। गार्लिक चीज पटेटो को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक एक पीस हम इस तरह से ऑयल में रख देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे।
एक तरफ से आलू बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, साइड चेंज कर देंगे। गार्लिक चीज पोटैटो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। और आलू हमारे बहुत अच्छे से अंदर तक सिक चुके हैं, हमने चेक कर लिया है, सभी पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया से हमारे गार्लिक चीज पोटैटो तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम गर्मा गर्म फटाफट से सर्व कर देते हैं। सर्व करने से पहले हम बना लेंगे पिंक सॉस, इसके लिए हम ले लेंगे मेयोनीज। लगभग 2 चम्मच के आसपास हमने मेयोनीज बाउल में डाल ली है। अब हम लगभग 2 चम्मच के आसपास डाल देंगे टमाटो केचप, थोड़ी सी डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरेगानो। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा पिंक सॉस बनके रेडी हो गया है। आइए अब फटाफट से हम गार्लिक चीज पोटैटो को सर्व कर देते हैं। देखिए हमने गार्लिक चीज पोटैटो को सर्व कर दिया है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स गार्लिक चीज पोटैटो बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।